अच्छा एजेक्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास चल रहा है एमबीसी के अंदर, ठीक है, उसमें हमने बिगिन फॉर्म देखा है, ठीक है, उसकी एक एग्जांपल करके देखी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बिगिन फॉर्म की एक सेकंड एग्जांपल से आपको समझाता हूँ ताकि इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट, कंसिडर अ सिनेरियो वेयर यू वॉन्ट टू इनेबल अ यूजर टू सर्च फॉर प्रोडक्ट, मतलब हम एक ऐसा पेज बनाए जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हो, ठीक है, और वहां पे हम क्या कर सकें, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सर्च कर सके, उसका डेटा गेट कर सके असिंक्रोनस तरीके से, ठीक है, मतलब हमारा पेज रिलोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, व्हेन अ यूजर टाइप्स अ टेक्स्ट टू सर्च फॉर अ प्रोडक्ट, मतलब हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना प्रोडक्ट सर्च करवाएंगे, ठीक है, द डिटेल्स ऑफ द मैचिंग प्रोडक्ट शुड बी रिट्रीव फ्रॉम द सर्वर, ठीक है, मतलब जो भी मैं टेक्स्ट बॉक्स में दूंगा अगर उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है तो वो हमें क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा उसी पेज के ऊपर, ठीक है, विदाउट हैविंग टू पोस्ट द पेज बैक टू द सर्वर। इसका मतलब हमारे पास जो हमारा पेज है वो रीलोड नहीं होगा, वो रिफ्रेश नहीं होगा, मतलब ये जितना भी काम है वो सारा बैकग्राउंड में परफॉर्म होगा, ठीक है। इन सच सिनेरियो यू शुड यूज एन असिंक्रोनस फॉर्म एलिमेंट ऑन द व्यू, मतलब जो हम फॉर्म बनाएंगे वो कौन सा होगा, एजेक्स का बिगिन फॉर्म होगा और वो असिंक्रोनस तरीके से काम करेगा, मतलब जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, सर्वर से रिक्वेस्ट जाएगी वापस क्लाइंट के पास, ये सारा बैकग्राउंड में होगा और हमारा पेज रिलोड नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे हम कवर करते हैं। अच्छा देखो, हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट को सर्च करवाने की बात कर रहा है ना, लेकिन हम यहाँ पे सर्च करवाते हैं एम्प्लॉय, ठीक है, मतलब एम्प्लॉय का मैं एक टेबल यहाँ पे ऐड करवाऊंगा और उसके अंदर से मैं एम्प्लॉयज को सर्च करवाऊंगा बाय नेम, ठीक है, एम्प्लॉय का जो नेम होगा उससे मैं सर्चिंग करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, ठीक है, तो एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ASP.NET वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट करते हैं और अपने प्रोजेक्ट का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं Ajax Begin Form 2, ठीक है, सेकंड एग्जांपल है, ओके करते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे एक डेटाबेस बनाना है एम्प्लॉय के हवाले से और एक टेबल बनाना है उसके अंदर एम्प्लॉय से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने ऐप डेटा में आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और इधर एक डेटाबेस ऐड करते हैं, ऐड पे जाते हैं और न्यू आइटम, ठीक है, विजुअल सी शार्प सिलेक्ट करना है, फिर डेटा और एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम अपने डेटाबेस का नाम वही रख लेते हैं एम्प्लॉय डीबी, ठीक है, ऐड करते हैं इसको, ठीक है, हमारे पास डेटाबेस ऐड हो गया। अब इसके अंदर एक टेबल ऐड करना है, तो मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर पे, व्यू पे क्लिक करते हैं सर्वर एक्सप्लोरर, ठीक है, और ये लास्ट में हमारे पास डेटाबेस आ गया, इसको एक्सपेंड करते हैं और यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे आते हैं राइट क्लिक करते हैं। अच्छा टेबल जो मैं क्रिएट करूँगा वो मैं क्यूरी के थ्रू क्रिएट करूँगा क्योंकि मेरे पास क्यूरी मैंने पहले से लिखी हुई है, तो न्यू क्यूरी के ऊपर आते हैं, ठीक है, हमारी न्यू क्यूरी विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है, मैंने एक एम्प्लॉय के टेबल की क्रिएट की क्यूरी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है और उसके अंदर आईडी जो कि प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट है, फिर नेम है, फिर जेंडर है, फिर हमारे पास एज है और फिर सैलरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं प्ले के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी क्यूरी, ठीक है, देखिए कमांड्स कंप्लीट सक्सेसफुली आ गया, मतलब ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई, टेबल बन गया। अब इसके अंदर मैं रोज इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आते हैं, मैंने कुछ रोज भी यहाँ पे लिखी हुई है उसकी इंसर्ट की क्यूरी, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करते हैं इसको, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास इंसर्ट हो गई रोज। अब इस विंडो को मैं क्लोज कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको सेव नहीं करते हम, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने सर्वर एक्सप्लोरर पे और यहाँ पे देखें हमने जो अभी टेबल बनाया है वो टेबल यहाँ पे आ गया होगा इस फोल्डर के अंदर एम्प्लॉय, ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, शो टेबल डेटा करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास ये तकरीबन 8 एम्प्लॉयज की रोज है जिनका नेम आईडी नेम जेंडर एज और सैलरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो मैंने एम्प्लॉय का टेबल बनाया है इससे रिलेटेड मुझे मॉडल क्लासेस जनरेट करनी है, ठीक है। तो हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का यूज करेंगे, तो मैं मॉडल्स में आ जाता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, एड में आते हैं और न्यू आइटम में आ जाते हैं, ठीक है, विजुअल सी शार्प सिलेक्ट करना है, डेटा, और यहाँ पे मैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में हम क्या यूज करते हैं, एंटिटी डेटा मॉडल, और इस मॉडल का नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ एम्प्लॉय डीबी मॉडल, ठीक है, ऐड करते हैं इसको,
ठीक है, मतलब अब मुझे एग्जिस्टिंग टेबल से मॉडल क्लासेस जनरेट करवानी है तो मैं यूज करूंगा ईएफ डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, और ड्रॉप डाउन में आ जाते हैं, हमारे डेटाबेस का नाम क्या है ये सबसे लास्ट में एम्प्लॉय डीबी सिलेक्ट करो, उससे रिलेटेड कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगी और कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम सेट हो जाएगा एम्प्लॉय डीबी एंटिटीज, और इसी नाम से हमारी कॉन्टेक्स्ट क्लास जिसके अंदर डीबी सेट होता है और डीबी सेट के अंदर सारी रोज स्टोर होती है, ठीक है, तो जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है वो भी एम्प्लॉय डीबी एंटिटीज होगा और जो हमारी कॉन्टेक्स्ट क्लास होती है उसका नाम भी एम्प्लॉय डीबी एंटिटीज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क 6 इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब टेबल्स को एक्सपेंड करते हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स और कौन से टेबल की मॉडल क्लासेस बनानी है मुझे एम्प्लॉय से, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करते हैं और फिनिश करते हैं, ठीक है, एक दफा ओके कर लेते हैं, एक दफा फिर ओके करते हैं, ठीक है। टेबल के हमारे पास डायग्राम आ गई, इसका मतलब है मॉडल क्लासेस जनरेट हो गई है, ठीक है, तो इसको मैं क्लैप्स करता हूँ रेफरेंसेस को और आ जाते हैं अपने मॉडल्स के फोल्डर में। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो क्लासेस बनी है, एक employee.cs के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर जो हमारे टेबल के अंदर कॉलम्स थे उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर बन गई, ठीक है। और फिर अगर मैं जाऊँ यहाँ पे अपने कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे कॉन्टेक्स्ट क्लास का क्या नाम है एम्प्लॉय डीबी एंटिटीज, और इसी के अंदर हमारे पास डीबी सेट है जिसका नाम हो गया एम्प्लॉयज, मतलब वो जो मैंने 8 रोज इंसर्ट करवाई थी टेबल के अंदर वो सारी रोज किसके पास है इस डीबी सेट के पास मौजूद है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो होम कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम, कंट्रोलर्स के फोल्डर में आते हैं, ऐड करते हैं और यहाँ पे कंट्रोलर, ठीक है, और इस कंट्रोलर यहाँ पे MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी लेंगे और इस कंट्रोलर का नाम हम रख देंगे होम, ठीक है, ऐड करते हैं इसको, ठीक है, ये हमारे पास कंट्रोलर उसका इंडेक्स सेक्शन मेथड आ गया। अब एक दफा इसका व्यू बनाने से पहले मैं इसको बिल्ड कर लेता हूँ क्योंकि अभी हमने मॉडल ऐड किया है, इसको रीबिल्ड करते हैं, ठीक है, रीबिल्ड ऑल सक्सीडेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसका एक हम व्यू क्रिएट कर लेते हैं इंडेक्स सेक्शन मेथड का, जिसके ऊपर हम वो फॉर्म बनाएंगे, कौन सा फॉर्म, जिसमें एक सर्च के लिए टेक्स्ट बॉक्स होगा और एक बटन होगा, ठीक है, ऐड व्यू करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लूंगा लिस्ट, ठीक है, क्योंकि सारा डेटा जो है वो टेबलर फॉर्मेट में लिस्ट में मैं डिस्प्ले करवाऊंगा। मॉडल क्लास कौन सी है हमारी एम्प्लॉय और डेटा कंटेक्स्ट क्लास कौन सी है जिसमें डीबी सेट है एम्प्लॉय डीबी एंटिटी, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास व्यू आ गया। अब इसमें मतलब वही जो लिस्ट में हमारे पास टेबलर फॉर्मेट में जो डेटा डिस्प्ले होता है, ठीक है, अब इसके अंदर मुझे कुछ डेटा यहाँ पे नहीं चाहिए, वो कौन कौन सा डेटा है, ये जो क्रिएट की लिंक है, ठीक है, ये जो पैराग्राफ में, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, नीचे आते हैं, ठीक है, और फिर हमारे पास ये जो हर रो के बाद एडिट डिलीट और डिटेल्स के लिंक जनरेट होते हैं ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं अपना एजेक्स फॉर्म, ठीक है, मतलब बिगिन फॉर्म जो एजेक्स का हेल्पर है उसकी मदद से मैं एक फॉर्म बनाऊंगा जिसमें मैं सर्च के लिए टेक्स्ट बॉक्स लूंगा और एक यहाँ पे बटन लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूजिंग, ठीक है, और यूजिंग से पहले मुझे एट द रेट लगाना है, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे यूज करूंगा एजेक्स, ठीक है, पहले इसके कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ठीक है, यूजिंग के, और फिर एजेक्स का मैं हेल्पर यूज करूंगा कौन सा, बिगिन फॉर्म, ठीक है, ये बिगिन फॉर्म ओपन कर लिया। अब जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा तो ये कौन से एक्शन मेथड के पास जाएगा, इंडेक्स के पास जाएगा, ठीक है, और इंडेक्स एक्शन मेथड कौन से कंट्रोलर में मौजूद है, होम कंट्रोलर में मौजूद है, ठीक है। और फिर आ जाते हैं, अब हम इसके देते हैं एजेक्स ऑप्शंस, ठीक है, थर्ड आर्गुमेंट में हम एजेक्स ऑप्शंस देते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले न्यू और उसके बाद एजेक्स ऑप्शंस, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना के इसके पैरेंथेसिस के अंदर अब मैं वो ऑप्शंस दूंगा। सबसे पहले हम एक ऑप्शन यूज करते हैं HTTP मेथड, दो मेथड्स होते हैं, हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, पोस्ट, और इसके बाद इंसर्शन मोड, ठीक है, इंसर्शन मोड में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ रिप्लेस का, ठीक है, इंसर्शन मोड डॉट रिप्लेस, सही है, मतलब जब हमने ये जो बिगिन फॉर्म का फर्स्ट एग्जांपल देखी थी उसके अंदर ये मैंने ऑप्शन सारे डीप में समझाए थे, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो पहला पार्ट इसका देख सकता है, फर्स्ट एग्जांपल वाला, वो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा मैं यहाँ पे लेता हूँ जिसको हम कहते हैं अपडेट टारगेट आईडी, ठीक है,
और इसके अंदर मैं एक div बनाऊंगा जिसकी आईडी में क्या सेट कर दूंगा, div update, ठीक है। मतलब जब मैं फॉर्म सबमिट करूंगा तो ये कहाँ पे जाएगा, इंडेक्स एक्शन मेथड में जाएगा, और जो भी रिस्पॉन्ड ये एक्शन मेथड हमें देगा वो कौन से div में अपडेट हो जाएगा, जिसकी आईडी ये होगी div update, ठीक है। तो ये div अभी मुझे बनाना है, चाहिए तो यहाँ पे देखो ये जो div है, ठीक है, ये मैं कहाँ पे बनाऊंगा, देखो ये जो मेरा पूरा टेबल है ना, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम सारी रोज मुझे प्रिंट करवाएगा, और ये जो पूरा का पूरा टेबल है ये मैं एक div के अंदर रखता हूँ, ठीक है, और इस div की आईडी मैं यही रखूंगा जो मैंने यहाँ पे अपडेट टारगेट आईडी के ऑप्शंस में आईडी दी है, अपडेट div अपडेट, और ये आईडी मैं यहाँ पे इसका देता हूँ। और अब ये जो पूरा div है ये मैं टेबल, मतलब टेबल जो है मैं वो इस div के अंदर रखूंगा, ठीक है। तो ये टेबल का टैग जहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके बाद मैं अपने ये div को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, सही है। मतलब ये जो हमारा div अपडेट है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, पूरा टेबल आ गया। क्योंकि देखो भाई फर्स्ट टाइम क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब मैं रन करूंगा ये जो पूरा का पूरा टेबल है ये मुझे 8 रोज दिखाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं सर्चिंग परफॉर्म करूंगा और उसके बाद जो भी डेटा उस सर्चिंग के अगेंस्ट मुझे मिलेगा वो इस डिफ से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा ए, तो ए से जितने भी रिलेट डेटा होंगे वो हमारे पास इस टेबल से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको इस डिव के अंदर रखा हुआ है। और इंसर्शन मोड क्या यूज किया हुआ है, रिप्लेस यूज किया हुआ है, ठीक है, ये इसका एक पॉइंट है, ठीक है। अच्छा अब मैं बनाता हूं ये मेरा जो एजेक्स बिगिन फॉर्म है, इसके पैरेंथेसिस है, इसके अंदर मुझे बनाना है एक फॉर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक हम लेबल ले लेते हैं, लेबल का टैग, ठीक है, और इसके इसको मैं कह देता हूं सर्च बाय नेम, ठीक है, सर्च बाय नेम हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, ये लेबल है। और अब मुझे चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम टैग यूज करते हैं इनपुट टाइप, ठीक है, और टाइप मैं यहाँ पे इसकी कर देता हूँ टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम, ठीक है, उसका नाम रख देता हूँ मैं क्यू। क्यू क्यू रख रहा हूँ मैं इसका नाम, क्योंकि यहाँ पे जब भी मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी वैल्यू दूंगा तो उस वैल्यू को कॉल करवाने के लिए मैं इसका नेम यूज करूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक बटन लेंगे, ठीक है, इनपुट टाइप, और यहाँ पे सबमिट बटन लेंगे, ठीक है, और फिर इसकी वैल्यू हम रख देंगे सर्च, ठीक है, जो हमें बटन के अंदर नजर आएगी, ठीक है। इसको सेव करते हैं यहाँ पे, चाहिए, एक हमारे पास पॉइंट ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, देखो जब मेरा फर्स्ट टाइम पेज लोड होगा, ठीक है, तो कौन सा एक्शन मेथड चलेगा, इंडेक्स एक्शन मेथड चलेगा, और इसके अंदर पहले से सारा डेटा शो होना चाहिए हमारे इस टेबल के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास टेबल है इसके अंदर वो 8 की 8 रोज हमारे पास यहाँ पे शो होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो हमारे पास, मैंने आपको बताया था जो रोज हैं वो हमारे पास कहाँ पर है, ये जो हमारे पास डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास है जिसका नाम है एम्प्लॉय डीबी एंटिटीज, इसके अंदर एक डीबी सेट होता है जिसके अंदर हमारे टेबल की सारी रोज मौजूद होती है। तो इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो क्लास है ये मॉडल्स के फोल्डर में है, तो उसका नेम स्पेस हम नीचे से ऐड करवा लेते हैं, ठीक है। हिंट पे यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ तो ये इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर, सही है, जिसके अंदर ये क्लास मौजूद है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं डीबी, ठीक है, इसका ही मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। और अब इसके अंदर ये जो व्यू है मैं यहाँ पे कहता हूँ डीबी डॉट एम्प्लॉइज और टू लिस्ट, ठीक है, मतलब जितना भी हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉइज के डीबी सेट के अंदर, मतलब देखो डीबी क्या है, कंटेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर क्या है एम्प्लॉइज जो डीबी सेट है जिसके अंदर 8 की 8 रोज मौजूद है, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके इस व्यू को क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो। मतलब ये 8 की 8 रोज हमारे पास इस इंडेक्स के व्यू को रिटर्न होंगी, और ये जो फॉरिच लूप है ये क्या करेगा, टेबुलर फॉर्मेट में हमारी वो जितने भी रोज है उनको डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। एक ये पॉइंट है, तो अगर मैं अभी आपको यहाँ पे आके रन करके दिखाऊं, ठीक है, अभी यहाँ पे देखें हमारे पास ये सर्च का वो जो लेबल टेक्स्ट बॉक्स और बटन आ रहा है और सारा डेटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर मैं अपने सर्च के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल ए देता हूँ, ठीक है, और ए देने के बाद जब मैं सर्च पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक तो पेज रीलोड नहीं होगा और सारी रिक्वेस्ट का काम बैकग्राउंड पे होगा, और ए से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है।
तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मतलब हमने HTTP मेथड कौन सा यूज किया है, पोस्ट। तो मतलब जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो वो हमारे इंडेक्स एक्शन मेथड के पोस्ट वर्जन के पास जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें वो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देखो, हमने ये जो एजेक्स का हेल्पर तो यूज कर लिया है बिगिन फॉर्म, ठीक है, लेकिन ये वर्क कब करेगा, जब हम वो एक लाइब्रेरी ऐड करवाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जिसको हम कहते हैं अनऑब्स्टिट्यूटिव एजेक्स, ठीक है। तो वो मैंने ऐड नहीं करवाई, तो वो पहले हम ऐड करवा लेते हैं। मैं अपने यहाँ पे पैकेज में आता हूँ, एजेक्स बिगिन फॉर्म 2, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और मैनेज न्यू गेट पैकेजेस में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमारे पास ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ब्राउज को सिलेक्ट करो और यहाँ पे आप सिंपल लिख दो एजेक्स, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन आएगा आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट जेक्वेरी अनऑब्स्टिट्यूटिव एजेक्स, इसको सिलेक्ट करना है और इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल पे क्लिक कर दें, ठीक है, फिर ओके कर दें और फिर इसके बाद एग्रीमेंट आएगा, इसको आई एक्सेप्ट कर दें, ठीक है। ये फिनिश हो गया हमारे पास, मतलब ये लाइब्रेरी सक्सेसफुली एड हो गई। अब ये लाइब्रेरी करती क्या है, हमारे पास जो स्क्रिप्ट का फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल्स एड करवाती है, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में आ जाओ और देखो हमारे पास यहाँ पे अनऑब्स्टिट्यूटिव एजेक्स डॉट मिन डॉट जीएस और डॉट जीएस, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे अपने व्यू के अंदर ऐड करवानी है। तो ये जो मेरा इंडेक्स का व्यू है, ठीक है, मैं सबसे इसके लास्ट में आ जाता हूँ और मुझे दो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल चाहिए। एक तो चाहिए जेक्वेरी मिन डॉट जीएस, ठीक है, ठीक है, मतलब ये अनऑब्स्टिट्यूटिव के साथ ये लाजमी ऐड करनी है, और इसके बाद अनऑब्स्टिट्यूटिव एजेक्स डॉट मिन डॉट जीएस, ठीक है। इसको इसी के नीचे आप ऐड करवा दें ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है। अब ये वाला सारा काम हो गया, अब मुझे क्या काम करना है, ठीक है, मतलब ये लाजमी आपको स्क्रिप्ट फाइल्स ऐड करवानी है, तभी आपके पास ये एजेक्स का बिगिन फॉर्म सही तरह वर्क करेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं आ जाता हूँ, चूंकि जब मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, इंडेक्स सेक्शन के मेथड के पास। तो मैं अपने कंट्रोलर में आता हूँ और यहाँ पे इसी का मैं एक वर्जन बनाऊंगा, HTTP पोस्ट वर्जन, ठीक है। क्योंकि जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, मतलब टेक्स्ट बॉक्स में मैं कोई भी वर्ड देता हूं ए, और जब मैं क्लिक करूंगा तो वो इस एक्शन मेथड के पास आएगा जिसके ऊपर ये HTTP पोस्ट लगा हुआ होगा, ठीक है। और वो जो टेक्स्ट बॉक्स था, ठीक है, उसका मैंने नाम क्या रखा था, ठीक है, मतलब सर्च टेक्स्ट बॉक्स का उसका नेम रखा था मैंने क्यू, ठीक है। तो जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा वो आ जाएगा इस इंडेक्स एक्शन मेथड का जो आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है। और देखो इसके आर्ग्यूमेंट का नाम मैं वही रख रहा हूँ क्यू, जो मैंने अपने सर्च टेक्स्ट बॉक्स का नेम रखा था, ठीक है। ये लाजमी दोनों सेम होने चाहिए, तभी उस टेक्स्ट बॉक्स का डेटा इस आर्ग्यूमेंट पे आके स्टोर होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, ठीक है। देखो अब सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, मतलब जो भी टेक्स्ट बॉक्स का डेटा आएगा वो किसके पास आएगा, क्यू के पास आएगा। तो यहाँ पे पहले मैं इफ की कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। तो इफ की कंडीशन में मैं सबसे पहले क्या कहूंगा, हमारे पास स्ट्रिंग का एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं इज नल और एम्प्टी, ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा क्यू। मतलब इज नल और एम्प्टी क्या करता है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स का जो भी डेटा आएगा वो क्यू के पास आएगा। तो अब इज नल और एम्प्टी चेक करेगा कि ये क्यू एम्प्टी या नल तो नहीं है। अगर ये क्यू एम्प्टी या नल होगा तो इज नल और एम्प्टी रिटर्न करता है ट्रू, लेकिन अगर क्यू के अंदर कोई ना कोई डेटा होगा तो इज नल और एम्प्टी क्या रिटर्न करता है, फॉल्स। तो मैं इसको चेक करवाता हूँ किसके लिए, फॉल्स के लिए, कि भाई अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या काम हो। तो अब यहाँ पे आके मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और वो लिस्ट किस टाइप की होगी, एम्प्लॉय टाइप की होगी, और इसका नाम मैं रख देता हूँ EMP, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ ये जो मेरे पास कंटेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट था DB, इसके अंदर जो DB सेट है जिसका क्या नाम है एम्प्लॉयज, ठीक है, इसका मैं एक मेथड यूज करता हूँ वेयर, ठीक है। और मतलब अब मैं कंडीशन लगाऊंगा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, मॉडल, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ मॉडल डॉट नेम, ठीक है, मतलब नेम के थ्रू मैं सर्चिंग करवाऊंगा। और यहाँ पे किसका मेथड होता है स्टार्ट्स विथ, ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा क्यू। मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो भी क्यू है, ठीक है, वो चेक करो कि हमारे नेम का जो कॉलम है उसके अंदर कहाँ कहाँ स्टार्ट होता है। तो जहां जहां भी स्टार्ट होता है उसका सारा डेटा टू लिस्ट में कन्वर्ट करके आप किसको पास कर दो, EMP को। इसका मतलब कि अगर क्यू के पास कोई डेटा है तो
आप चेक करो कि जो क्यू है वो हमारे नेम के कॉलम पे कहाँ कहाँ स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारा, अगर मैंने क्यू के अंदर दिया ए, तो ए फॉर एग्जाम्पल दो एम्प्लॉयज के पास है, तो वो दो एम्प्लॉयज की जितनी भी रोज हैं वो लिस्ट में कन्वर्ट होके किसको पास हो जाएंगी, ईएमपी को पास हो जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। अब देखो मैं रिटर्न कैसे करवाऊंगा अपने व्यू को, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ पार्शियल व्यू, ठीक है। अब देखो मैं एक पार्शियल व्यू यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है, जिसका नाम क्या रखूंगा मैं, सर्च डेटा, ठीक है। और इस पार्शियल व्यू को मैं क्या पास कर दूंगा, ये ईएमपी, मतलब जो भी मैं क्यू के अंदर डेटा पास करवाऊंगा वो हमारे कॉलम के अंदर, मतलब मॉडल नेम जो था उसके अंदर सर्च होगा कि जो भी मैंने क्यू में डेटा दिया है क्या वो मेरे नेम वाले कॉलम के अंदर मौजूद है। अगर मौजूद है तो उसकी सारी रोज ईएमपी को पास हो जाएंगी, ठीक है। और फिर ये जो ईएमपी है ये मैं किसको पास कर रहा हूँ, अपने पार्शियल व्यू को पास कर रहा हूँ। अब देखो ये पार्शियल व्यू अभी हमारे पास क्रिएट नहीं हुआ हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो पार्शियल व्यू हम क्रिएट कहाँ पे करते हैं, हमारे पास जो शेयर्ड का फोल्डर होता है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, शेयर्ड के फोल्डर पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं और व्यू पे आ जाते हैं, ठीक है। और इसका नाम मैं वही रखता हूँ, सर्च डेटा, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, टेम्पलेट कौन सी चूज करूंगा मैं, लिस्ट, ठीक है। और मॉडल क्लास हमारे पास कौन सी होगी, एम्प्लॉय, ठीक है। और डेटा कंटेक्स्ट क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय डीबी एंटिटीज। और ये मुझे पार्शियल व्यू बनाना है तो क्रिएट एज अ पार्शियल व्यू पे लाजमी आपने चेक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके करते हैं, ऐड करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये हमारा पार्शियल व्यू क्रिएट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी मुझे क्रिएट का लिंक नहीं चाहिए, ठीक है। और नीचे आते हैं, ये जो हमारे पास हर रो के आगे एडिट डिटेल्स और डिलीट होता है ये भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो अब अगर मैं होम कंट्रोलर पे आऊँ तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स में डेटा उसने दिया है वो यहाँ पे आके स्टोर होगा। फिर मैं चेक करवाऊंगा कि ये जो क्यू के पास जो भी डेटा है वो मेरे नेम के कॉलम के अंदर कहाँ कहाँ स्टार्ट होता है, जहां भी स्टार्ट होता है जितनी भी रोज में उस सारी रोज को आप लिस्ट में कन्वर्ट करके ईएमपी को पास कर दो। और ये ईएमपी मतलब फॉर एग्जांपल ईएमपी के पास अभी दो रोज हैं, तो ये दो रोज किसको पास हो जाएंगी, पार्शियल व्यू को पास हो जाएंगी। मतलब ये इस पार्शियल व्यू में वो दो रोज हमारे पास इस टेबल के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगी। और ये टेबल कहां पे डिस्प्ले होगा, देखो ये टेबल डिस्प्ले होगा यहाँ पे डिव अपडेट में, ठीक है, ठीक है। क्योंकि डिव अपडेट के अंदर जो टेबल था वो पहले सारी रोज डिस्प्ले करवा रहा था, लेकिन जब मैं सर्च करूंगा तो वो जो दो रोज मेरे पास आएंगी वो इस पूरे टेबल से क्या हो जाएंगी, रिप्लेस हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे अपडेट टारगेट आईडी के अंदर वो डिव दिया था जिसके अंदर मेरे पास पूरा का पूरा टेबल मौजूद है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं होम कंट्रोलर में। अब देखो ये तो था इफ का पार्ट, मतलब अगर क्यू खाली नहीं है, मतलब अगर क्यू के अंदर मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई ना कोई डेटा है तो ये वाला कोड चलेगा, लेकिन अगर क्यू खाली है तब कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा। और अब मैं ये दो लाइंस कॉपी करता हूं, यहां पे इसको पेस्ट करता हूं, ठीक है। और अब यहां पे मैं ये कंडीशन हटा दूंगा, ठीक है, ये जो मैंने वेयर लगाया था, ठीक है, ये मैं हटा दूंगा। मतलब अगर हमारे पास सर्च बॉक्स जो है वो एम्प्टी है, मतलब उसके अंदर अगर कोई भी डेटा नहीं है तो क्या हो, तो सारा डेटा मेरे पास क्या हो जाए, पार्शियल व्यू के जरिए से डिस्प्ले हो जाए कहाँ पे, ये जो हमारा टेबल है, ठीक है, ये जो हमने डिव अपडेट के अंदर टेबल बनाया था इसके अंदर सारी रोज डिस्प्ले हो जाए अगर हमारे सर्च बॉक्स के अंदर कोई भी डेटा मौजूद नहीं है, ठीक है। ये इसका यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। अब अपने प्रोग्राम को हम रन करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास सर्च बॉक्स आ रहा है और सारा डेटा आ रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ए टाइप करता हूँ और अब सर्च पे जब मैं क्लिक करूंगा तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, वो जो हमारे पास पोस्ट वर्जन था इंडेक्स एक्शन मेथड का उसके पास जाएगी। लेकिन ये सारा काम असिंक्रोनस तरीके से होगा, मतलब पेज रिलोड हमारा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सर्च पे क्लिक करते हैं तो अब देखें जैसे ही सर्च पे क्लिक किया, ए से हमारे पास कितने एम्प्लॉयज के नेम्स आते हैं, दो, अली और अरसलान, तो हमारे पास यहाँ पे दो आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब एक चीज आप नोटिस करो, देखो जब मैंने ए यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखा था
और सर्च पे क्लिक किया था तो उसने एक दो सेकंड्स लिए थे मेरे पास, ठीक है, मतलब एक दो सेकंड्स के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आया था, ठीक है, लेकिन हमारा पेज रिलोड नहीं हुआ था। इसका मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जब मैं सर्च पे क्लिक करूं, अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोसेसिंग 10 सेकंड्स ले ले, तो उन 10 सेकंड्स में मेरा पेज रिलोड तो होगा नहीं, तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि प्रोसेसिंग चल रही है। तो इस केस में हम डिस्प्ले करवाएंगे एक लोडिंग का आइकन, ठीक है, वो भी हम एजेक्स ऑप्शंस के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब इसको देखते हैं कि वो काम कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ विजुअल स्टूडियो में, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है, और अपने इंडेक्स पे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंडेक्स के व्यू पे आ जाते हैं। और यहाँ पे अब देखो इसके अंदर यहाँ पे मैं एक ऑप्शन यूज करता हूँ इसका, लोडिंग एलिमेंट आईडी, ठीक है, और यहाँ पे एक मैं डिव बनाऊंगा, उसकी आईडी रखूंगा लोडर, और इस डिव के अंदर वो इमेज होगी कौन सी, लोडिंग आइकन वाली। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्रोजेक्ट में वो लोडिंग आइकन वाली इमेज डिस्प्ले करवा लेता हूँ, ठीक है, ऐड करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं और एक न्यू फोल्डर लेता हूँ, और इस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ इमेजेस, ठीक है, और इसके अंदर राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं और एग्जिस्टिंग आइटम, ठीक है, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, और यहाँ पे मेरे पास एक इमेज मौजूद है, ठीक है, ये एक इमेज मौजूद है लोडिंग के नाम से, ठीक है, जिफ इमेज है ये, मतलब ये मूव होते हुए आपको नजर आएगी। इसको सिलेक्ट करते हैं और ऐड करते हैं, ठीक है, इमेजेस के फोल्डर में ये ऐड हो गई। तो अब इस नाम से, ठीक है, लोडर के नाम से मैं एक डिव बनाता हूँ, और ये डिव बना लेते हैं हम ऊपर, ठीक है, डिव, और इसकी आईडी में क्या रख दूंगा, लोडर, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं इमेज के टैग के थ्रू, ठीक है, एक इमेज जो हमने यहाँ पे अभी इमेजेस के फोल्डर में रखी है जिसका नाम है लोडिंग, ठीक है, इसको विड्थ और हाइट हम सेट कर देते हैं, विड्थ 100 दे देते हैं, हाइट दे देते हैं 100, ठीक है। अब देखो ये जो डिव है ना, देखो अगर मैं अभी पेज रीलोड पेज लोड करूं, मतलब रन करूं, तो ये आइकन मुझे पहले से शो हो रहा होगा, ठीक है, तो मुझे ये आइकन पहले से शो नहीं करवाना, इसलिए हम यहाँ पे सीएसएस में अप्लाई करूंगा, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले, ठीक है, उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे कर देता हूँ नन, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब मैं अपना फॉर्म, एजेक्स फॉर्म जब मैं अपना सबमिट करूंगा, उसके बाद जब प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, तब जब तक वो प्रोसेसिंग चल रही है तब तक ये मुझे लोडिंग आइकन डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं और इसको रन करते हैं और अब रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूं, मैं ए टाइप करता हूँ और ए से यहाँ पे सर्च करता हूँ, सर्च पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास वो जो आइकन था वो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले हुआ, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले हुआ और वो हमारे पास गायब हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और फॉर एग्जाम्पल अब कोई और देते हैं, हम बी देते हैं, ठीक है, और सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो देखो आपको नजर आया होगा वो थोड़ी सी देर के लिए हमारे पास आइकन नजर आया था लेकिन गायब हो गया। लेकिन अभी आप एक चीज नोटिस करो, बी से हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं आता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एफ से कोई एम्प्लॉय दूं, सर्च करता हूं, तो देखो एफ से हमारे पास फरा आ रही है, ठीक है, लेकिन जब मैंने बी दिया था तो यहाँ पे हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं आ रहा था। तो अब एक काम और करते हैं हम एक काम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर मैं जो भी सर्च करूं, अगर उससे रिलेटेड मेरे पास कोई भी एम्प्लॉय मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे ये जो कॉलम्स हैं इसके नीचे नो रोज फाउंड का एक आइकन मुझे नजर आए, ठीक है। तो अब देखो नो रोज का आइकन मुझे दो जगह इंप्लीमेंट करना है, एक तो हमारे इंडेक्स व्यू के अंदर भी प्रिंट करना है और एक पार्शियल व्यू के अंदर भी प्रिंट करना है। क्योंकि देखो जब मैं यहाँ पे ए लिख के सर्चिंग करवा रहा था तो हमारे पास ये जो डेटा आ रहा था ये पार्शियल व्यू की मदद से आ रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सर्च पे क्लिक करूं, ठीक है, तो क्या हो रहा था, मतलब जब फर्स्ट टाइम हमने लोड किया था तो इंडेक्स का पेज चल रहा था, तो इंडेक्स का पेज यहाँ पे क्या कर रहा था, ये सारे आइटम डिस्प्ले करवा रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास टेबल के अंदर कोई आइटम्स है ही नहीं, मतलब कोई भी एम्प्लॉयज मौजूद नहीं है, तो जब फर्स्ट टाइम लोड होगा तब भी यहाँ पे नो रोज फाउंड लिखवाना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जिस तरह मैं बी सर्च करवाता हूँ, बी से सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अभी कुछ भी नहीं आ रहा, तो इस केस में भी नो रोज फाउंड ऑप्शन नजर आना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे आते हैं विजुअल स्टूडियो में, इसको स्टॉप करते हैं। सबसे पहले मैं आया तो हमने पार्शियल व्यू में, ठीक है। अब देखो हमारे पास जितना भी डेटा है, मतलब जितना भी टेबल में डेटा है, वो डिस्प्ले कौन करवाता है, ये फॉर ईच का लूप, ठीक है, इसको बार बार एग्जीक्यूट करके वो डेटा डिस्प्ले करवाता है। तो इससे पहले, ठीक
मतलब ये हमारे पास हेडिंग्स हैं, ठीक है, मतलब ये जो पहली रो है यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास हेडिंग है। तो फॉर ईच लूप है, इससे पहले मैं आप एक इफ की कंडीशन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ जो हमारा मॉडल है इसके पास जितनी भी रोज आ रही हैं उसको काउंट करो, अगर वो बराबर है किसके, जीरो के, तो इसका मतलब कोई रो मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं एक टी आर और ओपन करता हूँ और इसके अंदर टी डी ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं एक मैसेज लिख देता हूँ, नो रोज फाउंड, ठीक है, इस तरह से। और देखो ये जो कॉलम है ये मुझे इन चारों कॉलम्स के नीचे स्ट्रेच हो के मिलना चाहिए, तो मैं यहाँ पे टी डी में कॉल स्पैन दे देता हूँ 4। इससे क्या होगा कि ये जो हमारे पास नो रोज फाउंड का ऑप्शन आएगा ये इन चारों हेडिंग्स के नीचे बिल्कुल स्ट्रेच होके आएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ अगर मॉडल काउंट जीरो है तो क्या हो, ये वाला टी आर आ जाए, ठीक है, मतलब फिर ये फॉर इच का लूप नहीं चलेगा क्योंकि इस फॉर इच के लूप को मैं एल्स के पार्ट में यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये जो एल्स का हमारे पास क्लोजिंग डिव है ये मैं वहां बंद कर दूंगा जहां पे मेरा ये फॉर इच का लूप एंड हो रहा है इसके बाद में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने इफ स्टार्ट करते हुए एट द रेट लगाया था, तो अब मुझे फॉर इच से पहले एट द रेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारा अब एक ही कोड है, ठीक है। तो अब देखो यही वाली चीज ये अभी मैंने इंप्लीमेंट कहाँ पे किया है, सर्च डेटा में, ठीक है, मतलब अगर मैं कोई सर्च बॉक्स में जैसे बी दे रहा था तो कोई भी डेटा हमारे पास बी से हमारे टेबल में मौजूद नहीं था तब ये वाला पार्ट चलेगा, लेकिन अगर मैं ए दे रहा था तब कौन सा पार्ट चल रहा था, एल्स वाला पार्ट चल रहा था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं बी दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला पार्ट चलेगा। अब देखो इसी पार्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक ये जो फॉर इच लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट है और इसी को अब मैं पेस्ट करूंगा अपने इंडेक्स के व्यू पे, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स के व्यू पे भी हमारे पास ये मौजूद है। तो देखो जो फॉर इच लूप है यहां से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और जहां पे ये फॉर इच लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट है इन पूरे को सिलेक्ट करके अब मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ ताकि वो वाला कोड पेस्ट हो जाए, ठीक है, सही है। देखो यहाँ पे भी इफ की कंडीशन लग गई, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और अपना ये प्रोग्राम रन करता हूं तो अब आप रिजल्ट देखो, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं ए के ऊपर क्लिक करूं, अच्छा देखो अभी हमारे पास चूंकि मैंने इंडेक्स के व्यू में भी वो इफ की कंडीशन लगाई है ना, तो अभी तो मेरे पास रोज है इसके अंदर, तभी एल्स का पार्ट चल रहा है और फॉर ईच लूप 8 रोज दिखा रहा है। अगर मेरे टेबल के अंदर एक रो भी नहीं होती तो हमें यहाँ पे वो क्या दिखाता, नो रोज फाउंड, ठीक है। और यही काम मैंने पार्शियल व्यू में भी किया था, मतलब अगर मैं यहाँ पे ए दूं तब पार्शियल व्यू हमें डेटा रिटर्न करेगा, अगर मैं सर्च पे क्लिक करूं, ठीक है, तो देखो लोड हो रहा है यहाँ पे और जैसे ही लोड हो जाएगा हमारे पास पार्शियल व्यू हमारे इस डिव अपडेट के अंदर क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा उसका डेटा, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास दो रिकॉर्ड आ गए, मतलब अब इसने थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लिया इसलिए वो जो लोडिंग आइकन है वो हमारे पास थोड़ा ज्यादा देर तक डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे बी दे दूं तो बी से कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो अगर अब मैं सर्च पे क्लिक करूं तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, नो रोज फाउंड, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे हटा दूं इसको बी और अब अगर सर्च पे क्लिक करूं, ठीक है, तो एल्स का पार्ट चल रहा था तो एल्स का पार्ट हमारे पास सारी रोज डिस्प्ले करवा रहा था, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, जब मैंने यहाँ पे सर्च पे क्या कंडीशन लगाई थी कि अगर सर्च पे क्लिक हुआ और अगर क्यू के पास कोई डेटा है तो इफ का पार्ट चलेगा, लेकिन अगर क्यू के पास कोई भी डेटा नहीं है तो एल्स का पार्ट चलेगा और एल्स के पार्ट में हमें सारा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब 8 की 8 रोज डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। एक इसका ये पॉइंट हो गया। तो अब देखो जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसको रन करता हूँ, ठीक है, अपने इसको, तो यहाँ पे इंडेक्स का एक्शन मेथड चलता है और ये क्या करता है, ये हमें 8 की 8 रोज डिस्प्ले करवाता है, लेकिन अगर मेरे पास एक भी रो ना हो तब क्या हो, तो देखो तब मैंने यहाँ पे अपने इंडेक्स व्यू में ये इफ वाली कंडीशन लगाई थी, ठीक है, जिसके अंदर नो रोज फाउंड आ रहा था, तब वो वाला पार्ट चलेगा। तो अगर मैं अपनी इन 8 की 8 रोज को डिलीट करूं, ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ सर्वर एक्सप्लोरर पे और इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ अपने डेटाबेस को। देखो हमने डेटाबेस का नाम रखा था एम्प्लॉय डीबी नाम रखा था, लेकिन जब हमने वो कंटेक्स्ट क्लास बनाई थी तब उसका नाम उस कंटेक्स्ट क्लास से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, ठीक है, मतलब
जो कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम था उससे रिप्लेस हो गया। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरा टेबल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके अंदर अभी डेटा मौजूद है, ठीक है, 8 की 8 रोज मौजूद है जो हमें इंडेक्स का व्यू डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये सारी रोज डिलीट करता हूँ, तो डिलीट करने के लिए एम्प्लॉई पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू क्यूरी पे आते हैं और मैं एक क्यूरी एग्जीक्यूट करता हूँ, ट्रंकेट टेबल, और हमारे टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय। अब ट्रंकेट की कमांड क्या करती है, हमारे टेबल के अंदर जितनी भी रोज होंगी उन सबको ट्रंकेट कर देगी, डिलीट कर देगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके अब एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अब अगर आपको मैं शो टेबल करके दिखाऊं, ठीक है, इसको एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब हमारे पास यहाँ पे एक भी रो मौजूद नहीं है, इसका मतलब अब अगर मैं अपना इंडेक्स का व्यू रन करूंगा तो हमारे पास ये जो इफ की कंडीशन थी ये एग्जीक्यूट होगी। तो अब यहाँ पे आके इसको हम रन करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी क्या रहा है हमारे पास, नो रोज फाउंड, क्यों, क्योंकि हमारे पास मैंने सारी रोज डिलीट कर दी थी, तो ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सर्च फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने टेबल्स के ऊपर, ठीक है, विद एजेक्स, ठीक है, क्योंकि हमने एजेक्स का बिगिन फॉर्म हेल्पर यूज किया है, ठीक है, असिंक्रोनस तरीके से हमने यहाँ पे काम किया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।